हेलो स्टूडेंट्स, कल आपने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जीवनी पढ़ी थी। बच्चों, आज मैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का लिखा हुआ गुरु नानक देव नामक पाठ आपको समझाती हूँ। उसके क्वेश्चन आंसर भी बताऊँगी, आप ध्यान से समझिएगा। बच्चों, गुरु जिस किसी भी शुभ क्षण में चित्त में आविर्भूत हो जाए, वही क्षण उत्सव का है। वही क्षण उल्लसित कर देने के लिए पर्याप्त है। कहने का मतलब क्या है कि गुरु जब अपने मन में स्थान बना ले, गुरु के प्रति मेरे मन में आदर भाव हो जाए, तो वही क्षण उत्सव का मानना चाहिए और वही क्षण हमें प्रसन्नता प्रदान करने वाला मानना चाहिए। नवो नवो भवति जायमानः, गुरु तुम प्रतिक्षण चित्त भूमि में आविर्भूत होकर नित्य नवीन हो रहे हो। हजारों वर्षों से शरत काल की यह सर्वाधिक प्रसन्न तिथि प्रभामंडित पूर्ण चंद्र के साथ उतनी ही मीठी ज्योति के धनी महामानव का स्मरण कराती रही है। कहने का मतलब क्या है, शरत काल की सर्वाधिक प्रसन्न करने वाली तिथि कौन सी है? पूर्णिमा तिथि। बच्चों, और वह पूर्णिमा तिथि किसका जन्मदिन है, किसका स्मरण कराती है? गुरु नानक देव जी का। इस चंद्रमा के साथ महामानवों का संबंध जोड़ने में इस देश का समष्टि चित्त आह्लाद अनुभव करता है। सारा देश, सारी सृष्टि अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव करता है। कब? उस पूर्णिमा तिथि पर। अब देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है आपका, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। बच्चों, संदर्भ लिखना आपको बताया है, फिर भी आप एक बार फिर से देखिए क्या लिखिएगा आप, कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के गद्य खंड में संकलित पाठ गुरु नानक देव शीर्षक से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश कहाँ से कहाँ तक है? शुरू से स्मरण कराती रही है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, द्विवेदी जी कहते हैं कि जिस क्षण भी गुरु की अनुभूति हमारे मन में आएगी, वही क्षण शुभ है, उत्सव मनाने का है और प्रसन्नता से भर देने का है। चाहे वह कोई भी समय, कोई भी दिन हो, वही हृदय को आनंदित करने वाला हो जाता है। भक्तों के हृदयों में गुरु का जन्म इसी प्रकार नए नए रूपों में होता रहता है। नवो नवो भवति जायमानः का अर्थ क्या है कि नए नए रूपों में होता रहता है। अनादिकाल से सबके अंतर मन में उल्लास भर देने वाली शरद पूर्णिमा की यह उज्ज्वल चांदनी अपनी पवित्रता के साथ उस ज्योतिर्मय महामानव का स्मरण कराकर आनंद का संचार करती है। किस महामानव का? गुरु नानक देव जी का। समझ में आया बच्चों? अब तीसरा प्रश्न है आपका कि लेखक ने किस क्षण को शुभ, उत्सव का और उल्लसित कर देने वाला बताया है। उत्तर देखिए, जिस क्षण गुरु चित्त में आविर्भूत हो जाते हैं या प्रकट हो जाते हैं, वही क्षण शुभ, उत्सव का और उल्लसित कर देने वाला होता है।
चौथा प्रश्न, प्रतिक्षण आविर्भूत होकर गुरु कैसे हो रहे हैं? आंसर देखिए, प्रतिक्षण आविर्भूत होकर गुरु नित्य नवीन हो रहे हैं, अर्थात एक बार उनका चित्त में समावेश हो जाने पर उनके नए नए स्वरूपों का अनुभव होता है। पांचवा, भारतीय जनमानस शरद पूर्णिमा से किसका संबंध जोड़कर प्रसन्नता का अनुभव करता है? उत्तर देखिए, भारतीय जनमानस ज्योतिर्मय महामानवों का संबंध शरद पूर्णिमा से जोड़कर प्रसन्नता का अनुभव करता है। एक पैराग्राफ और मैं आपको समझा रही हूँ, उसके आंसर भी, क्वेश्चन आंसर भी देखिएगा, ध्यान दीजिए बच्चों। किसी लकीर को मिटाए बिना छोटी बना देने का उपाय है बड़ी लकीर खींच देना। कोई लकीर है, उसे मिटाना नहीं है, और छोटी बनाने का उपाय क्या है कि उसके बगल में बड़ी लकीर खींच दी जाए। शूद्र अहमिकाओं और अर्थहीन संकीर्णताओं की शुद्रता सिद्ध करने के लिए तर्क और शास्त्रार्थ का मार्ग कदाचित ठीक नहीं है। सही उपाय है बड़े सत्य को प्रत्यक्ष कर देना। गुरु नानक देव ने यही किया। उन्होंने जनता को बड़े से बड़े सत्य से सम्मुखीन कर दिया। हजारों दिए उस महाज्योति के सामने स्वयं फीके पड़ गए। उनके कार्य इतने महान थे, उन्होंने अपने उपदेशों से लोगों को इस प्रकार का सच्चा मार्ग दिखाया कि ऐसा प्रतीत हुआ जैसे हजारों दिए भी उस ज्योतिपुंज के सामने फीके पड़ गए हों। अब आप क्वेश्चन आंसर देखिए बच्चों। पहला क्वेश्चन वही है, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। आपने पहले भी लिखा, पहले भी अभी मैंने आपको बताया है, आप इसको अपने आप लिखेंगे। और दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश आपका शुरू से लेकर प्रत्यक्ष कर देना यहाँ तक। अब आप देखिए व्याख्या। द्विवेदी जी कहते हैं कि यदि हमें किसी रेखा को बिना मिटाए छोटा करना है तो उसका उपाय यह है कि उसके पास एक बड़ी रेखा खींच दी जाए। इसी प्रकार यदि हमें अपनी तुच्छ अहंकार से युक्त भावनाओं और निरर्थक संकीर्णताओं से मुक्त होना है, घमंड को हटाना है, अपने निरर्थक अर्थहीन विचारों को हटाना है, तो उसके लिए महानता की बड़ी लकीर खींचनी पड़ेगी। अहंकार, तुच्छता की भावना तथा संकीर्णता आदि को वाद विवाद या तर्क के आधार पर शास्त्रार्थ करके छोटा नहीं किया जा सकता। उसके लिए सही उपाय क्या है कि सत्य को प्रत्यक्ष कर दिया जाए, अच्छी अच्छी बातों से असत्य को झुठला दिया जाए। यही उपाय है और यही गुरु नानक देव जी ने भी किया था। तीसरा क्वेश्चन है, छोटी लकीर के सामने बड़ी लकीर खींच देने का क्या अर्थ है? आंसर देखिए, छोटी लकीर के सामने बड़ी लकीर खींच देने का अर्थ यह है कि शूद्र आचरण के सामने उच्च तथा आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करना, इसी को कहते हैं छोटी लकीर के सामने बड़ी लकीर खींच देना। चौथा, अपनी अहमिकाओं
और अर्थहीन संकीर्णताओं की शुद्धता सिद्ध करने का सही उपाय क्या है? आंसर देखिए, अपनी अहमिकाओं यानी घमंडपूर्ण बातों के लिए और अर्थहीन तुच्छ भावनाओं की शुद्धता सिद्ध करने का सही उपाय है सत्य को प्रत्यक्ष कर देना। ऐसा करने पर अन्य तर्क देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसकी महानता स्वयं सिद्ध हो जाएगी। और लास्ट पांचवा प्रश्न है, गुरु नानक देव ने किस मार्ग को अपनाया? गुरु नानक देव ने सत्य के मार्ग को अपनाया और हर मनुष्य में सत्य का साक्षात्कार कराया। उस दिव्य ज्योति के समक्ष झूठ, अहंकार, संकीर्णता, हीनता आदि सब प्रभावहीन हो गए, क्योंकि वो खुद महाज्योति के पुंज के समान थे। आपको दोनों पैराग्राफ और क्वेश्चन आंसर अच्छी तरह समझ में आए होंगे बच्चों। अगर कुछ आपको डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो।